कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में सिविल अस्पताल अमरपाटन के बाहर शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया और सरकार से न्याय की मांग की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में पूरे देश में नाराजगी देखी जा रही है। आम नागरिक के साथ छात्र छात्राएं भी इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में अमरपाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक किया। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर के साथ ये हादसा हुआ था रेप का, तो इससे हम सभी के अंदर नाराज़गी है और इसी में हम लोग जागरूकता अभियान फैलाने के लिए ये प्रदर्शन किए हैं कि आज भी ममता बनर्जी इंसाफ के लिए रैली निकाल रही हैं, जबकि वो इंसाफ खुद दिलाएंगी। वहाँ के हेल्थ के चार्ज भी उन्हीं के पास हैं, होम मिनिस्टर भी वो खुद हैं, तो वो जनता से अपने सवाल का जवाब नहीं देके अपना मुंह चुरा रही हैं, तो उन्हें इंसाफ दिलाएं। क्योंकि आज ये घटना होने के बाद हर एक घर में फिर से यही मातम सा फैल गया है कि देख रही हो ना क्या हुआ है, तो तुम्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से बैठो। आज हर एक बेटे के अंदर फिर से वही डर पैदा हो गया है कि कहीं हम अकेले जाएं, नाइट ड्यूटी करें हॉस्पिटल में, कहीं भी जो जॉब कर रही हैं लड़कियां, तो उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। और ये रेपिस्ट को फांसी देने के साथ साथ उन्हें भी सज़ा मिलने चाहिए, जो कि ये बोलना है कि आज भी एक लड़की की गलती है। आज भी कई लोगों के मुँह से मैं सुनने को ये मिलता है कि वो लड़की है तो उसको अपने साथ चार लोगों को लेकर चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्यों लड़कियाँ आज़ाद नहीं हैं? जब एक लड़का अकेले चल सकता है तो लड़की अकेले क्यों नहीं जा सकती है? रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।